इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्तीय पद्धति के बारे में। तो आइए देखते हैं बच्चों, अगर कार्तीय पद्धति की बात करें तो एक तल के अंदर किसी बिंदु को दर्शाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो जो पद्धति है वह है कार्तीय पद्धति। बच्चों मान लीजिए ये एक प्लेन है, या एक ग्राफ की बात करें, ग्राफ के अंदर किसी बिंदु को दर्शाने के लिए, उसका एड्रेस बता लगाने के लिए, उसका पता बताने के लिए जिस पद्धति को काम में लिया जाता है उसे हम कहते हैं कार्तीय पद्धति। बच्चों इसको इस तरह से दर्शाया जाता है ग्राफ के अंदर x x डैश और y y डैश के द्वारा। अब बच्चों इसके अंदर ये बिंदु होता है मूल बिंदु, उस बिंदु के को जहाँ से दूरियाँ अंकित की जाती है, वो बिंदु जहाँ से दूरियाँ अंकित की जाती है, चाहे वो धनात्मक x अक्ष की दिशा में हो, ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में हो, y अक्ष की दिशा में हो, ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में हो, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। अब बच्चों ये मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक हमेशा 0 0 ही होते हैं, क्योंकि यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है जो 0 0 से होता है, ठीक है। और ये जो प्लेन होता है ये कार्तीय पद्धति में पर्टिकुलर कोई बिंदु है उसका पता लगाने के लिए ही इस पद्धति को काम में लेते हैं। अब बच्चों देखो इसे हम अच्छे से और समझ लेते हैं। बच्चों हमने देखा था ये x अक्ष है, ये x डैश है, तो इसे माइनस का x अक्ष भी कहा जाता है, ये y अक्ष है और ये माइनस का y अक्ष है। बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो ये चार भागों में बट रहा है ना, देखिए ये कार्तीय जो तल है ये चार भागों में बट रहा है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, और हर एक भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश है, ये इसका दूसरा चतुर्थांश है, इसका तीसरा चतुर्थांश है, और इसका चौथा चतुर्थांश है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये प्लस में होते हैं ये दोनों, और यहाँ पर ये दोनों माइनस में होते हैं। अगर इस चतुर्थांश की बात करें तो कैसे समझें, देखिए x का मान प्लस में और y का मान भी प्लस में है, इस चतुर्थांश की बात करें तो दोनों के निर्देशांक प्लस में दे रखे हो तो हम क्या कहें, चतुर्थांश कौन सा होता है, धनात्मक। बच्चों अगर मुझे मान 2 और 3 दे रखे तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए ढंग से, अगर आपको इस तरह से मान दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, तो पहला वाला बिंदु हमेशा x अक्ष का निर्देशांक को ही दर्शाएगा, और दूसरा वाला जो बिंदु होगा ये हमेशा y अक्ष के निर्देशांक को दर्शाएगा, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन पहला बिंदु हमेशा x अक्ष के निर्देशांक को ही दर्शाएगा, ये बात ध्यान में रखने की है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये x और y हो गया ना, x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक है, पहले किसका मान लिखेंगे, x अक्ष का। तो यहाँ पर अगर x अक्ष का मान ऋणात्मक है, y का मान धनात्मक है, तो अगर बिंदु इस तरह से दे रखा हो माइनस के 2, 3, x अक्ष का मान ऋणात्मक, y का मान धनात्मक, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, दूसरे चतुर्थांश के अंदर आएगा, ठीक है। बस चतुर्थांश का मतलब चतुर और थांश, चार बराबर हिस्सों में बांटना, तो हमने इसको चार बराबर भागों में तो बांटा है, तो ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। अब देखिए यहाँ पे x का मान ऋणात्मक है, y का ऋणात्मक है, पहले x का मान लिखते हैं, ऋणात्मक आएगा, y का भी ऋणात्मक आएगा, तो अगर दोनों मान ही ऋणात्मक दे रखे हैं जैसे माइनस के 2 और -3, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। चौथे चतुर्थांश में क्या कह रहा है, x का मान आ रहा धनात्मक, y का मान आ रहा ऋणात्मक, तो पहला मान पॉजिटिव और दूसरा मान अगर ऋणात्मक नेगेटिव हो तो कौन से चतुर्थांश के अंदर आ जाएगा, चौथे चतुर्थांश के अंदर आ जाएगा। बच्चों बहुत आसान है इसे करना, आइए समझते हैं इसे। बच्चों एक और चीज देख लीजिए, एक्स अक्ष का जो निर्देशांक है इसे हम भुज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज भी कहा जाता है इसे, और वाई एक्स के निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है। जैसे अगर 2 और 3 की बात करें, मान लीजिए एग्जाम्पल लिया हमने 2 और 3, तो यहां पूछा जाए कि भुज क्या है इसकी, इन निर्देशांकों में भुज क्या है, तो x अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसे भुज कहा जाता है, कोटि की बात करें तो y अक्ष का निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि। तो यहाँ पे भुज कितना दे रखा है, 2, और कोटि कितनी है इसकी, 3 है, ठीक है। बच्चों ये आपने देख ही लिया, x और y में x x अक्ष को दर्शाता है, y y अक्ष को दर्शाता है। अब जो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे और आसानी से, नीचे दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः क्या होगा और बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे। सबसे पहले इसके द्वारा हम निर्देशांकों का पता लगा ले, उसके बाद देखें। अब बच्चों देखो ये B बिंदु है, इसके निर्देशांकों का अगर पता लगाना, तो हमने देखा था सबसे पहले x अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, सबसे पहले अगर मुझे इसका बिंदु B के निर्देशांक निकालने हैं तो सबसे पहले मैं x अक्ष के निर्देशांक देखूंगा, उसके बाद y अक्ष का निर्देशांक देखूंगा। बच्चों देखो B x अक्ष की बात करें, ये रहा x अक्ष के ऊपर B का बिंदु कहाँ जा रहा है, देखो बच्चों इसके निर्देशांक पता लगाने, देखिए B से नीचे की तरफ चलिए यहाँ से, तो x अक्ष का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, 4, तो इसका x अक्ष का मान कितना है, 4, और y अक्ष की मान बात कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ चलिए, देखिए यहाँ से इधर की तरफ आ रहे हैं तो कितना दे रखा है, 3, तो इसके निर्देशांक हो गए 4, 4.3, तो x अक्ष का निर्देशांक 4, y का कितना है, 3, तो भुज कितनी दे रखी है बच्चों इसकी, 4, और कोटि कितनी है, 3, तो कोटि यहाँ लिखेंगे, है ना।
तो निर्देशांक क्या हो गया, तो बी के निर्देशांक कितने हो गए, 4.3। भुज और कोटि को एक साथ लिखते हैं ना बच्चों, 4.3 हो जाएंगे ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4.3। और बच्चों निर्देशांक हमेशा छोटे ब्रैकेट के अंदर ही लिखे जाते हैं, आप इसे खुला नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते 4.3 नहीं, अगर निर्देशांक है तो वो हमेशा ब्रैकेट में ही लिखने में आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों देखो, इसे कह रहा बिंदु M के x अक्ष के निर्देशांक और y अक्ष के निर्देशांक कितने हैं और बिंदु M के निर्देशांक कितने हैं। बच्चों बिंदु M कहां पर है, ये रहा बिंदु M। अगर x अक्ष की बात करें तो बच्चों x कहां है, ये रहा। अब देखो यहां से सीधा x की तरफ चलिए, कौन सी बिंदु पे आ रहा है, इस बिंदु पे आ रहा है, इसका मान कितना है, -3। तो एक्स का x अक्ष का निर्देशांक -3। और इसके y के निर्देशांक की बात करें तो देखिए y की तरफ चलिए कितना आ रहा है, +4। तो -3 और +4, बच्चे कौन सा चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा ना। तो x का मान तो आ रहा -3, y का मान आ रहा +4, इसके निर्देशांक कितने हो गए, -3.4। और चतुर्थांश की बात करें तो कौन सा चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश। आगे देखिए l के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः क्या होंगे और l के निर्देशांक क्या होंगे हमें निकालने। बच्चों l बिंदु ये रहा ना, अब मुझे सबसे पहले x का निर्देशांक चाहिए, तो x की तरफ चलिए, यहाँ से देखिए x की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो कितना दे रखा है इसका मान, -5। तो इसका x अक्ष का निर्देशांक -5। और y की तरफ चलते हैं, y अक्ष के निर्देशांक के लिए तो कितना दे रखा, -4। तो -5.-4 इसके निर्देशांक हो गए। तो बच्चों इसका x अक्ष का मान है -5, y अक्ष का मान है -4। निर्देशांकों की बात करें तो एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो -5.-4 हो गया। बच्चों कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय है, क्योंकि दोनों मान ऋणात्मक है। अब देखिए बिंदु x के x अक्ष के निर्देशांक और y अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे। बच्चों देखो बिंदु s कौन सा, ये रहा। x की बात करें तो देखिए ये रहा, अब ये x कौन सा है, धनात्मक है ना, तो x का मान कितना दे रखा है, 3। y की बात करें तो y कौन सा है, यहाँ पे ऋणात्मक है, y डैश ऋणात्मक है, क्या मान दे रखा, -4। तो 3.-4, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, इसलिए इस तरह से लिखा, ब्रैकेट और लगाते हैं निर्देशांक के ऊपर। इसके मान हो गए 3, बच्चों x का मान है 3 और y का मान है -4, निर्देशांक कितने हो गए, 3.-4। ठीक है, आ गया बच्चों। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों आपको, आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक हमें लिखने हैं। यह आकृति है, इसके अंदर जो बिंदु दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए ए बिंदु दे रखा है, ये बी बिंदु दे रखा है, सी बिंदु दे रखा है और ये हमें डी बिंदु दे रखा है, इसके निर्देशांक पता लगाने हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए बच्चों, अगर x अक्ष की बात करें, केवल x अक्ष पर, तो y का जो निर्देशांक होगा, y का मान हमेशा 0 होता है। x अक्ष पर y का मान हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। x अक्ष पर y का मान कितना आएगा, 0। और अगर y अक्ष पर बात करें, केवल अक्ष की बात कर रहे हैं, अभी समझाता हूं बच्चों इसको, y अक्ष पर बात करें तो x का जो मान आएगा वो हमेशा 0 आएगा। बच्चों अक्ष की बात कर रहे हैं तो ये अक्षीय रेखा होती है, ये x अक्ष की रेखा ये रही और ये y अक्ष की रेखा है। अगर इस रेखा की बात करिए, x अक्ष की रेखा, यहाँ पे तो केवल x का ही बिंदु होगा, y का मान होगा ही नहीं। क्यों बच्चों, ये x का मान कितना दे रखा है, 4। इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0.0, यहाँ पे y का मान कितना दे रखा है, 0। हमें किसी भी बिंदु के निर्देशांक को अगर देखते हैं, उसका एड्रेस देखना होता है, तो पहले x का निर्देशांक, उसके बाद y का निर्देशांक देखते हैं ना, वहीं पे यहाँ पे x का मान कितना है, 4। और y का मान देखा जाए तो इधर की तरफ ही चलेंगे ना, कितना है, 0। तो इसको 4.0 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर x अक्ष की बात करें, केवल अक्ष की रेखा की, तो वहां पर y का मान 0 होगा x की x अक्ष पर। लेकिन अगर y की बात करें, y अक्ष की रेखा के ऊपर, देखिए y अक्ष की रेखा पर जा रहे हैं, क्या यहाँ पे x का मान है, कुछ नहीं है ना। अब देखिए y का मान कितना दे रखा है यहाँ पे बच्चों, 3। लेकिन x का मान कितना दे रखा है, इधर की तरफ देखिए x का मान कितना है, 0, के अक्ष की रेखा के ऊपर। दर्शाएंगे किस तरह, पहले x का मान ही आएगा 0, देन आएगा y का मान 0.3। तो ध्यान रखिए किस तरह से दर्शाते हैं, x की रेखा के ऊपर जो अक्ष होता है वहां पर पर्टिकुलर, अगर x अक्ष की बात करें तो y का मान 0 होता है, और y अक्ष की बात करें तो x का मान 0 होता है। अब जैसे ये बिंदु C की बात करें, तो C कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर है, तो y का मान 0 होगा। यहाँ पे x का मान कितना दे रखा है, -5, और y का मान कितना हो गया, 0। तो -5.0 उसका आंसर हो गया। लेकिन आप ये नहीं कि इसका मान लिख दे केवल -5, नहीं, फिर ये निर्देशांक कैसे कहलाएगा, क्योंकि निर्देशांक x और y दोनों अक्षों के बिंदुओं से मिलकर के बनता है। अब देखिए अगर हमें डी बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, तो बच्चों डी के निर्देशांक ये कौन से अक्ष के ऊपर है, ये केवल वाई अक्ष के ऊपर है, ऋणात्मक वाई अक्ष के ऊपर है। तो बच्चों वाई अक्ष के ऊपर एक्स अक्ष का मान 0 होता है, तो एक्स का मान तो यहाँ पर 0 है ही, क्योंकि पहले एक्स का मान ही लिखते हैं। और वाई का मान कितना दे रखा है, -4, के निर्देशांक 0.-4। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा
ये वीडियो यहीं पूरा आता, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर जहां हम 3.2 के सवालों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।